हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कसम्स किचन। मैं हूँ वंदना और आज मैं बना रही हूँ सेहत, सुंदरता और स्वास्थ्य जैसे 100 से ज़्यादा गुणों से भरपूर एक एक लड्डू। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी सुंदरता का ध्यान रखता है। बस एक लड्डू खाइए और अपनी सुंदरता को निखारिए। बालों का, घुटनों का, हर चीज़ का ध्यान रखता है। तो चलिए आज बनाते हैं ऐसे स्वाद से भरपूर लड्डू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, हेल्पफुल रहता है आपके लिए, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नापने के लिए हमने यहाँ पर कोई भी एक कप या कटोरी डिसाइड कर लेनी है, उससे सारी चीज़ें नाप कर लेंगे। एक कप मैंने यहाँ पर अलसी के बीज, एक कप काजू, एक कप सूखे गुलाब के पत्ते, ये ऑप्शनल है। इनमें से कोई भी चीज़ आप ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप हटा सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप बढ़ा भी सकते हैं। एक कप नारियल का बूरा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, एक कप शिया सीड्स लिए हैं। शिया सीड्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, आप चाहें तो अमेजोन से भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। शिया सीड्स के क्या फ़ायदे होते हैं आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। एक कप बादाम, एक कप खजूर और ये 2 कप मैंने गुड़ लिया था मीठे के लिए, और 1 कप यहाँ पर काले तिल लिए हैं मैंने, ब्लैक सीसमे सीड। इन्हें आप ब्लैक की जगह वाइट वाले सीसमे सीड भी ले सकते हैं। 1 कप पीनट यानी कि मूंगफली के दाने, 1 कप फॉक्सनट यानी कि मखाना और 1 कप रेजिन्स यानी कि किशमिश लिए हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हमें किसी एक ही कप से मेजर करनी है और आगे हम चलते हैं। यहाँ पर इनमें से कुछ चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है, जैसे कि पीनट को 4 से 5 मिनट लगेगा पीनट यानी कि मूंगफली के दाने को ड्राई रोस्ट होने में। आवाज़ आने लगी है, ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। ठंडा होने देते हैं और बादाम और काजू को हम यहाँ पर ड्राई रोस्ट करते हैं। सेम वही लो टू मीडियम फ्लेम रखें और अब हम इसमें काजू भी डाल देते हैं और साथ में ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हल्का सा कलर चेंज होता है और इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद में हम इन्हें पीसेंगे। दरदरा हमें पीसना है। तो यहाँ पर जो मूंगफली मैंने ली थी पीनट्स, उसके मैंने छिलके निकाल दिए थे। आप चाहें तो छिलके के साथ भी इसे ले सकते हैं, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। और हल्का सा गुनगुना था, इसे इस तरह से मैंने पीस लिया है। सारी चीज़ों को इस बॉल के अंदर हम निकालते जाएंगे। बादाम और काजू को भी इसी तरह से सेम वे में ग्राइंड करना है। चलिए अब हम अलसी को यानी कि फ्लैक्स सीड को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसको, 3-4 मिनट, इसलिए पहले हम इसे आवाज़ आने तक ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 3-4 मिनट में आप देख सकते हैं। अब डालते हैं इसमें सीसमे सीड यानी कि काले तिल। काले तिल ब्यूटी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अलसी और काले तिल दोनों ही फैटी एसिड ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। जिंक होता है इनके साथ में, बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो फ्लैक्स सीड है इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए हमें फ्लैक्स सीड भी इसके अंदर डालना है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर कोई वेजिटेरियन है, एक्सरसाइज करता है, उसे प्रोटीन चाहिए, तो ये लड्डू ज़रूर बना करके आप रखिएगा, क्योंकि ये मेरी खुद की डाइट में मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। हर बार आप एक्सरसाइज करने के बाद इसे एक बार एक लड्डू को खा लीजिए, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का ऑप्शन है। यहाँ पर हमें ड्राई रोस्ट करना है मखाना को, फॉक्सनट को। हल्का सा कलर चेंज होता है ना, क्रिस्पी हो जाते हैं, आप इन्हें भी बाहर निकाल लीजिए। सेम वे में हमें यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बूरा 2-3 मिनट में हो जाता है, फटाफट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे इसका कलर चेंज होता है ये भी रेडी है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमें ड्राई रोस्ट करनी थी हो चुकी हैं, मैंने कि इसको बंद कर दिया था। अब ये पूरी तरह से ठंडा तो नहीं है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, उसके बाद हमें इन्हें ग्राइंड करना है बिल्कुल फाइन।
पाउडर फॉर्म का हो जाए। उसके बाद में सारी चीज़ों को हम ग्राइंड करके इस जो मिक्सिंग बॉल रहा हमने रखा है साइड में, इसके अंदर डालते जाएंगे। तो यहाँ पर तिल और अलसी जो हमने सेक करके रखी हुई थी उसे भी हमने पीस लिया है। यहाँ पर थोड़ी सी ये गुनगुनी होना, चीज़ें थोड़ी सी हल्की सी गर्म हो तब हमें पीसना है, ताकि इनका अपना एक ऑयल होता है, अपना एक तेल होता है जो आपको बाइंडिंग में हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा घी नहीं डालेंगे, एक्स्ट्रा कोई ऐसा लिक्विड नहीं डालने वाले हैं जो कि इसे बांधने में या बाइंडिंग में सपोर्ट दे। तो यहाँ पर मैंने किशमिश और खजूर यानी कि डेट्स, इन्हें भी पीस लेना है ताकि बाइंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। अपने टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है, क्योंकि मैं हमेशा डालती हूँ, बट इंडिया में ठंडी है, सर्दियाँ हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए। और बाइंडिंग के लिए अभी हमने जो गुड़ लिया है ना, मेरे पास जो गुड़ था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था, इसे मैं पीस करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा गीला या लिक्विड फॉर्म में गुड़ है ना, तो उसका इस्तेमाल करिएगा, बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी। तो गुड़ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया है। मैं थोड़ा सा घी भी डाल रही हूँ, जो मेरी चॉइस से डाल रही हूँ। अगर आप घी नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे वाले प्रोटीन्स के सोर्स होते हैं ये लड्डू। इनमें बायोटिन भी होता है जो आपके बालों को लंबा, घना और शाइनी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी स्किन को शाइनी बनाता है। जो चमक होती है ना स्किन के अंदर, आपकी त्वचा के अंदर जो चमक होती है वो लेके आता है। आइज़ के लिए, आपके हार्ट के लिए, लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपकी आँखों के लिए, घुटनों के लिए, जिनको जॉइंट पेन रहता है उनके लिए ये लड्डू बहुत अच्छा होता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद, अपने योगा के बाद मैं एक लड्डू रोज़ खाती हूँ। इन्हें मैं ब्यूटी लड्डू बुलाती हूँ, मेरा हर चीज़ इनमें होती है। यानी कि आप बादाम अलग से खाएंगे, काजू अलग से खाएंगे, फ्लैक्स सीड, शिया सीड्स गर्म पानी में लेंगे, अलग अलग करने के बजाय एक जगह एक लड्डू बना लीजिए, मॉर्निंग में खाइए, हेल्दी रहिए। तो इस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक और शेयर करिए।